दोस्तों, आज मीडिया क्यों खामोश है? आज मीडिया को फौजी क्यों नहीं दिख रहे हैं? अब फौजी जाकर मीडिया के मुंह में घुस रहा है, नेशनल मीडिया के। यानी मैं आप ये वीडियो थोड़ा देखिए, ये जी न्यूज का चैनल है, जी न्यूज चैनल है। हाँ, और यहाँ हम लोग रिसीविंग करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चिंता मत करिए, ये लंका जैसा हल कर देंगे, देश में लंका जैसा। ये बुलाओ कमल, चोर सोर मीडिया का, ये जी न्यूज जो है ना, उसको चोर और इस न्यूज को चाहिए। तुमने अगर तुमने ये सोच रखा हो कि फौजियों के साथ पंगा लेना है, न्यूज वाले तुम समझ लो। वहाँ पर गुस्सा गुस्सी देखिए, वहाँ पर फौजियों का इतना गुस्सा आया है कि यानी इन्हें नेताओं की क्या खाते हैं, नेताओं की भैंस दिख जाती है, नेताओं के कच्छे दिख जाते हैं, नेताओं के पायजामा दिख जाते हैं, नेता का सब कुछ दिखता है, लेकिन ये फौजियों का क्यों नहीं दिखता है? फौजी इतने दिनों से परेशान है अपनी मांगों को लेकर, और ये मीडिया जिसके ऊपर दुनिया भर की सवालों की बौछार लगाई, फौजियों ने जमकर लताड़ा है, ताला बंद कर दूंगा, रिसीविंग नहीं ले रहे, और इनको छोटी छोटी कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनका जनहित से कोई मतलब नहीं है, देश हित से कोई मतलब नहीं है। सीमा हैदर के घर चले जाएंगे, सचिन की वीडियो कवरेज करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, तूने क्या खाया, तूने किसके बच्चे पैदा होने वाले हैं, हो गए कि नहीं हो गए, प्रेग्नेंट हो रही है, इस ऊबड़ खाबड़ चीजें दिखाएंगे, उसकी TRP वसूलते। आखिर ये मीडिया क्या मीडिया है या नहीं है? अब फौजियों ने कहा हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि अपना हमारा संदेश दे देना जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा जी को कि आप महलों में रहते हो और दुनिया भर का आपने धन कमा रखा है, और लेकिन आप इस तरीके से हमें इग्नोर कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। ये कौन सी नेपाल का है, कौन से आप चौथा स्तंभ हो? जरा थोड़ा सा वीडियो को आप जरा देखिए, और ये बात है दिल्ली की, और उन्होंने काफी खरी खोटी उन्होंने कहा है कि नहीं भैया, हम फौजी हैं, हमारा एक साल से धरना है, एक बार भी आपके चैनल ने बात नहीं रखी, हमने यहां तक चिट्ठियां भी लिखी हैं चैनलों को कि हमारी आवाज को थोड़ा सा आगे दिखाइए, लेकिन आपने बिल्कुल अनदेखी की। वो तो नहीं, हम रोड पर खड़े होकर के एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारा ऑफिस है, ऑफिस बना रहा है, फौजी है देश के लिए, कुर्बानी देते हैं देश को बर्बाद। ये बिल्डिंग है और ये देखिए, यहाँ ये जी न्यूज चैनल की वालों की बिल्डिंग है, और इसके अंदर गेट को बंद कर दे। नहीं, हम घर आएंगे, हम कानून को हाथ में लेने के लिए हम सौ आदमी आएंगे अपने फौजी लेकर के, उसके बाद हम देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देश की गरीब जनता है और खड़ी होगी पूरी देश की जनता, इन कदारों ने बड़े बड़े महल गरीब आदमी झोपड़ी में, चलो कोई नहीं, ठीक है, महल देखो, महल रस्ते नाबूद करेंगे, ये बिल्डिंग है, क्या हम सैनिक नहीं है? क्या हम ऐसा कौन सा गुनाह कर रहे हैं? क्या हम अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते? आप हमें बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, आप हमसे ज्यादा किसी भी नेता, किसी भी आम आदमी, किसी भी जनता के मुद्दे उठा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल मुद्दे उठाते हो, पर्सनल उसकी शान शौक को दिखाते हो, पर्सनल क्रिकेटरों के घर तक जाते हो, पर्सनल आप फिल्मी दुनिया में घुस जाते हो, नेताओं की तो पूछो मत, कुत्ते बिल्ली तक आप दिखा देते हो, जिसका जनमानस से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही वो जनमानस की आवाज है। आप झूठे प्रचार प्रसार करते हो, लेकिन सच में फौजी 365 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हैं, तमाम तरह के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये मीडिया चुप है। लेकिन इस बार फौजियों ने जमकर लताड़ा है, आप देख सकते हैं, सूबेदार वीर सिंह चौहान जो के भारतीय जवान और किसान पार्टी को लेकर के अब चुनाव में कूदने की तैयारी कर रहे हैं, कल उन्होंने रेवाड़ी में कह दिया और सच ही कहा है कि हम यहां से 200-400 लोग सामने कुर्सी पे बैठने से और हम कुछ भी बोलते रहे ये सुनने वाले नहीं, आप किसानों का हाल देख लिए, हमें अब चुनाव में जाना पड़ेगा, हमें एकजुट होकर के चुनाव में जाना पड़ेगा। आप इनका पूरा भाषण भी देखिए, क्या आप इससे सहमत हैं? और इस तरीके से आप कोई भी मीडिया है, मीडिया हाउस में जाएं, हंगामा प्रदर्शन करें, बाहर करें, दुनिया को, इस देश को दिखाना होगा कि ये मीडिया मीडिया नहीं रही है, ये मीडिया एक बिकाऊ हो गई है, जैसा कि इनका कहना है, आप सुन सकते हो। धन्यवाद। ये जी न्यूज का चैनल है, जी न्यूज चैनल है। हाँ, और यहाँ हम लोग रिसीविंग करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारे लोग हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रिसीविंग दो, रिसीविंग देने के लिए भी इनको तकलीफ हो रही है, और ये मैडम है, हमने बोला इनको कि हमारे को आपका जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उससे बात कराओ, और नहीं होता, अगर नहीं होता है तो उसका जो ऑफिस में है हमें ऑफिस वाले से बात कराओ, ये जब जा सकता है बात करने के लिए, तो हम लोग भी संवैधानिक अधिकार है, जो भी आ रहा है रिसीविंग कराओ, बात कुछ नहीं,
बेटा पहले उधर तुम्हारा जो बाप है ना उससे बात कराओ, समझ गया ना, उससे बात कराओ, समझ गया ना, रिसीविंग रिसीविंग लेके आओ, समझ गया ना। नहीं नहीं सुनो, नहीं नहीं जो है बुलाओ, तुम्हारा जो इंचार्ज है बुलाओ, समझ गया ना। ऐसा थोड़ी हम ये तुम्हारा वीडियो डालेंगे, ये जी न्यूज वाला सुभाष चंद्रा को भी बताना पड़ेगा, सुभाष चंद्रा के बाप को बताना पड़ेगा। हाँ समझ में आया। हाँ ये बड़ा खड़े को हो गए, लो 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 महल कर, चिंता मत करिए, ये लंका जैसा हल कर देंगे देश में, लंका जैसा। ये बुलाओ कमाल हो गए, चोर साले खड़े हो गए, मीडिया कर्मी को इनके महल देखो, इनके महल देखो भाई महल, इन्होंने चोरी का पैसा करा, मेहनत का पैसा नहीं चोरों के पास। बना वीडियो, चिंता मत करिए, पकड़ो कदम मत, हम आधा घंटे से खड़े, सिक्योरिटी वाला नहीं देगा। ये जी न्यूज, ये जी न्यूज जो है ना उसको ज्यादा चोर है, और इसे सुभाष चंद्र को शर्मानी चाहिए, सुभाष चंद्र को शर्मानी चाहिए। हमारे साथ वो लेटर दिखाओ, ये लेटर, ये लेटर जो है, ये लेटर है केवल इसमें, केवल ये बोलता है कि हम रिसीविंग नहीं देंगे। क्यों तुम चोरों के दलाल हो, तुम्हारा तो जाता है, तुम्हारा तो एक कैमरा वाला जाता है और बोल के आता है ये देश वाइट चाहिए, ये देश दोगे, देश बात करा जाए। देश के सैनिक यहाँ जी न्यूज चैनल का ऑफिस पर एक लेटर देने आए थे कि भाई हमारी अपील है कि न्यूज चैनल आप कोई गुंडा बदमाश और उस मवाली होता है उसकी न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं, और ये जो है जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले उनके लिए उनका लेटर भी नहीं रिसीविंग नहीं कर रहे हैं, इससे गलत क्या हो सकता है। ये मीडिया चैनल के जो है हाल है, तो आप बताइए कैसे होगा, ये देश बर्बाद होना है इन मीडिया के कारण। जी न्यूज ने नहीं दिया भाई, नष्ट नाबूद कर देंगे बड़े बड़े महलों को, सरकार आएगी फौजियों की, क्योंकि हम गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं। हम आधे घंटे से खड़े थे, सुन बेटा हमने आधे घंटे से कोई बात बोली, आपको कोई ऐसा शब्द बोला, लेकिन क्या नहीं, इसका इसका आया, इसका गार्ड ने बोला कि इसके गार्ड ने बोला कि हम टीम इसका फोटो नहीं ले सकते, हम लोगों ने मान लिया ठीक है फोटो नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, हमका शर्म आ रही है, नहीं हम रोड पर खड़े होकर के एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारा ऑफिस है, ऑफिस बना रहा है, देश के लिए कुर्बानी देते हैं, देश को बर्बाद। ये बिल्डिंग है और ये देखिए यहाँ ये जी न्यूज चैनल की वालों की बिल्डिंग है, और इसके अंदर गेट तो बंद कर दे, नहीं हम रहेंगे, हम कानून को हाथ में लेने के लिए हम सौ आदमी आएंगे अपने फौजी लेकर के, उसके बाद हम देखते हैं कैसा होता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देश की गरीब जनता है खड़ी होगी, पूरी देश की जनता इन कदारों ने बड़े बड़े महल गरीब आदमी चौपड़ी में, चलो कोई नहीं, ठीक है महल देखो, ये महल रस्ते नाबूद करेंगे, बता रहा हूँ ये बिल्डिंग है, ये जी मीडिया वाला सेंटर है, इनका ऑफिस है, और इन्होंने हमारे लेटर को रिसीव करने से भी मना कर दिया, और कोई रिसीविंग देने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, नष्ट नाबूद कर देंगे, इन मीडिया हाउसेस ने देश को बर्बाद किया, देश में दफ्तरों की आग लगाने वाली मीडिया और स्पेशली जी न्यूज है, जो हिंदू मुसलमान की जो नफरत फैलाती है, ये जी न्यूज है, नष्ट नाबूद कर देंगे जी न्यूज को, चिंता मत करिए, इसको बारूद के ढेर पर पहुंचाने वाले जी न्यूज चैनल है। अगर तुमने ये सोच रखा हो कि फौजियों के साथ पंगा लेना है, चलिए जी न्यूज वाले तुम समझ लो, बहुत बहुत तुम्हारे पास से इस तरीके से करेंगे हम लोग, जी समझ गया ना, एक आवेदन देने में एक एप्लीकेशन हम लोग दे रहे हैं, उसको भी आधा घंटा देने समझ रहे बाप के राज, बहुत विनम्र भाव से हमने कहा कि भाई जब ये जहाँ कोई घटना घटती है उस ये घटना हम बेटे आपको आपको हम कुछ नहीं कह रहे, हम ये आपके चैनल वालों को आप तो यहाँ एक ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है आपकी अपनी ड्यूटी है, हम आपको कोई वो नहीं करेंगे, आप हमारे इस गेट को ताला हम सैनिक लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सुभाष चंद्र क्या सुभाष चंद्र का बाप को भी ताला लगाएंगे हम, ये हमने बोल दिया तो होके रहेगा, क्योंकि सैनिक जो करता है जो कहता है वो करके दिखाता है, सही बात है, ये देश न्यूज है, सुभाष चंद्र चिंता मत करें, आगे चिंता मत करें, इसको जो है गद्दारों का न्यूज है, ये तभी तो कोई देशभक्त है तो हम फौजी है, और हमारे को मिलने के लिए नहीं देगा, हमसे बड़े देशभक्त हो ही नहीं सकते, मिलना तो छोड़िए, साइन करके रिसीव नहीं करके दे रहे, चलिए ओके बोला कैसे में, तो हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा साहब, बताओ नगर को लेकर देश को बचाना पड़ेगा, आज देश की एकता अखंडता के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी का अपना कतरा कतरा देश के लिए दिया है, अपनी पूरी जवानी देश की सीमाओं को लगाई है, लेकिन मजदूर भाग्य से कहना पड़ता है, आज मेरे देश को इन देश की मीडिया ने स्पेशली स्पेशली मीडिया ने और देश के नेताओं ने मेरे देश को बारूद के लिए बना के खड़ा कर दिया, इस देश को जाति में धर्म में
नफरत की आग लगाई, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म करके आज मेरा देश कानून की भेंट बना के खड़ा कर दिया। साथियों, इस बात की जरूरत है, हमारे देश के लगभग 7 लाख से भी ज्यादा सैनिकों ने, आप जाके देखिए हमारे इंडिया गेट के ऊपर हमारे लाखों सैनिकों के नाम है जिन्होंने शहीदी दी है, उनके एक दिन में नाम साहब नहीं कर सकते, नाम साहब नहीं कर सकते, एक देश की एकता करना चाहिए। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज देश टूटने की कगार पर है, इसलिए आप लोगों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जाएगा इशारा से आ चुका है। बोलने की तो बहुत भावना थी, मैं धन्यवाद करता हूँ कैप्टन लोकेंद्र साहब का, आप भी बहुत एक अच्छे व्यक्ति है, आपने पूरी कवरेज दी है इन सैनिकों की और पूरे देश में आपने अलग लगाइए, धन्यवाद करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल को भी। आज विचार कहूंगा साहब, हम फौजी है फौजी, अगर सीमा पर खड़ा होता है फौजी, सामने जब दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीठ पीछे मेरा पहला वतन होता है, बताओ मैं नहीं होने देंगे, और जब तक साथ चीज चीजें ना आए मेरे प्यारे वतन तेरा चीज कभी नहीं टूटने देंगे, ये सैनिक का संकल्प होता है, चंद होता हूँ विशाल कभी हो जाए जवान होने वतन नहीं टूटे। पूर्व सक्षर को रेवाड़ी के अंदर पूर्व सैनिकों की कोई ज्यादा हालांकि भेड़ नहीं है, फिर भी पूर्व सैनिक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीछे तकरीबन खाली हुई है, और इससे किस प्रकार पूर्व सैनिक हो पाएंगे और उनके क्या इस आरोपी का होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर पूर्व सैनिक धीरे धीरे एकजुट होने वाले हैं। साथियों, अभी आप सुन रहे हो जोगिंदर सिंह सेंगर, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह सेंगर साहब को सामने बैठे हुए, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। इनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, काफी देर मैं 2 बार यहाँ आया हूँ इस रैली के लिए, और अभी सिर्फ परसों मैं बैंगलोर से आया हूँ। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे ओनली कैप्टन जितने भी है सब बैटरी लगाते हैं अपने टैंक के ऊपर, क्यों नहीं ग्राइंड लिखते हैं, सबने देखा होगा। मैं पूरे पूर्व सैनिक को जोड़ने की बात करता हूँ, जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, यहां से हमें डांक मारते रहेंगे, पीछे से कट होते रहेंगे, किसी भी सरकार के सामने आपका एक अच्छा पॉजिटिव थॉट के साथ में आपकी जो कमियां है उसको रखने काबिल लोग चाहिए। और उससे पहले हमें हर एक पैटर्न के दिल तक जुड़ना है। क्यों कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है जो गाँव में एक पैटर्न है, एक मेंबर है, उसके दम तक आप पहुंच जाते हो, वही सबसे बड़ा है। ये बैटल जो गांव में होता है वो सबसे ज्यादा वही काम करता है, हम लोगों पर कुछ नहीं करते हैं, वही है जितना वो अपने लोगों की हेल्प करेगा सोसाइटी में उतना ही आपका सम्मान बढ़ेगा, और हेल्प आज के जमाने में जितना ही लोग आपसे